147 ईयर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कमबैक आपने नहीं देखा होगा जो कमबैक बैंगलोर में हो गया. मतलब दिस इज द मदर ऑफ द ऑल द कमबैक्स इन द मेकिंग. सरफराज खान एंड ऋषभ पंत इस पार्टनरशिप का 113 रन की पार्टनरशिप 132 बॉलों में. व्हाट अ फ्लैमबॉयंट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप. रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है, जो जयसवाल की विकेट गिर जाती है, सरफराज खान आता है और सो ठाक देते हैं, पकड़ के घंटा बजा देते हैं न्यूजीलैंड का. इसे कहते हैं रियल टैलेंट. और किधर है पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट, किधर है? सरफराज खान का जलवा गोरों का भाई साहब जीते हुए मैच में भी बना दिया हलवा. पहले 100 भी हो गया और अब 125 पे वो खड़ा हुआ है. और भाईजान उस बंदे में डोमेस्टिक में भी इतने सालों से जो थोड़ी खबरें आती हैं तो उसी की आती हैं जी, 200 कर दिया, 250 कर दिया, 150 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया. तो उस बंदे में एक खास चीज है, खास चीज है, तो दैट्स व्हाई दे आर देयर, ही इज देयर. और रगड़ के रख दिया, आउट क्लास कर दिया सरफराज खान. वो धोखा नहीं देगा. इससे शानदार, इससे जानदार, इससे खौफनाक बैटिंग आप अपनी जिंदगी में, शायद मैं कहता हूँ मेरा ओपन चैलेंज है, मुझ पे फतवा लगा दें, मुझे बाइस कह दें, जो मर्जी कहे मोहसिन साहब, 356 का डेफिसिट दे के 60-40 कोई नहीं कहेगा और कोई नहीं टीम वापस आ सकती. यार 356 की लीड उतारना और फिर टारगेट देना, ये हालाजी का वाड़ा नहीं होता. ये सरफराज खान जैसा टैलेंट फिर हो तो आप ये चीजें पॉसिबल करते हो. टैलेंट यार, इंडिया के पास टैलेंट कहां से आ रहा है? T20 देख लो, वनडे देख लो, टेस्ट देख लो, तीनों फॉर्मेट में इंडिया के पास टैलेंट भाई साहब भरा पड़ा है. सरफराज खान इसने कहा मैं सरफराज हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा. लेकिन जिस तरीके की बैटिंग सरफराज और कोहली ने की और सरफराज और की पंत ने, मोहसिन भाई, इट लुक वेरी इजी एट द एंड. यार कितना कंफर्टेबली इन्होंने कर लिया है, अनफोल्ड हो रही है बेंगलोर के अंदर. सो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा. जिन्ना स्वामी ने बड़े बड़े मैचेस देखे हैं, बड़े बड़े गेम्स आईपीएल के देखे हैं, बड़े बड़े टेस्ट मैचेस देखे हैं, लेकिन शायद ऐसा टेस्ट मैच पूरे इंडिया ने ही नहीं देखा होगा अपने घर के ऊपर के, जहां 46 पे ऑल आउट होने के बाद 350 की लीड चढ़ाने के बाद वो लीड अब सिर्फ महज 13 रन दूर है. वो 13 रन के बाद वो लीड उतरेगी एंड इंडिया विल बी नाउ पुटिंग अप द लीड ऑन न्यूजीलैंड. एंड व्हाट अ हिस्ट्री दैट इज अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. यही टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट जिस तरह टीम इंडिया खेलता है, मेरे ख्याल से ना कोई ओडीआई ना कोई T20, ये भाई साहब थ्रिलर खेलते हैं, चाहे कानपुर हो. मतलब दिस इज द मदर ऑफ द ऑल द कमबैक्स इन द मेकिंग. सरफराज खान एंड ऋषभ पंत इस पार्टनरशिप का बहुत इंतजार था. 113 रन की पार्टनरशिप 132 बॉलों में. एंड व्हाट अ फ्लैमबॉयंट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप. भाई साहब उन्होंने डेढ़ दिन के अंदर आपको बता दिया 46 ऑल आउट. कभी कभार ऑफिस में आपका भी बुरा दिन होता है, जिस तरह रोहित शर्मा ने बोला उस तरह उस दिन हमारा भी बुरा दिन था, निकल गया. लेकिन ये आपको गारंटी देंगे कि दोबारा नहीं होगा, और दोबारा वाकई नहीं हुआ. मैंने 4 साल में से बहुत सारे मोमेंट्स देखे कि जब जब इस टीम को दीवार से लगाया जाता है बाउंस बैक कर जाता है. इनको जब जब दीवार से लगाओ, चाहे कप्तान रोहित हो, कप्तान विराट हो, सूर्या हो, हार्दिक हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, इस टीम को आप जब जब दीवार से लगाओगे ना, ये बाउंस बैक करेगी और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक करेगी कि आप भी हैरान हो, परेशान हो जाओ कि कौन से लोग हैं, कौन सी टीम है, क्या खाते नहीं है तो क्या सोचते हैं. लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स द नेशन एंड द टीम, दैट कीप्स इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ देम आउट ऑफ नोवेयर. जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता वहां ये परफॉर्मेंस आती है. जो टीम साला 30-30 करके T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करके T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे 46 ऑल आउट होने के बाद वो अगली इनिंग्स में भी शायद फॉल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगली दफा वो गलती करने से पहले 10 दफा सोचेंगे. सो व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ पार्टनरशिप दैट हैज बीन पुट अप इन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज बाय सरफराज खान एंड ऋषभ पंत. रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है, जो जयसवाल की विकेट गिर जाती है, सरफराज खान आता है और सो ठाक देते हैं, पकड़ के घंटा बजा देते हैं न्यूजीलैंड का. इसे कहते हैं रियल टैलेंट. इसे कहते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके किसी का भी घंटा बजा देना. जिस तरह सरफराज खान ने आज दिखाया, आज कमिटमेंट दिखाई है, आज फ्रंट से आगे जो है बैटिंग दिखाई है, आज दिखाया भाई कि मुझे रेगुलर खिलाओ, मैं इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग हूं. घंटे का किंग जिम्बू रेड बॉल में फ्लॉप है, उठा के बाहर मारो. वो अगला सरफराज खान है, वो इंडिया का भाई रेड बॉल क्रिकेट में आके अगला पेल रह पकड़ के न्यूजीलैंड को. इधर हमारा घंटा बांग्लादेश से टांगे खुलवा गया था, 46 ऑल आउट. उसके बाद बंदे के माइंड में वैसे ही बड़ा प्रेशर जमा होता है, बंदे के माइंड में वैसे ही कुछ करने की हिम्मत नहीं होती. उधर से आके कमिटमेंट शो करना, उधर से आके अपनी टीम को संभालना, अपनी टीम को वो करके देना जो उसकी टीम को उससे जरूरत थी. देखे ये क्रिकेट होती है, ये टैलेंट होता है. और किधर है पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट, किधर है? आज सुबह आके जिस तरह सरफराज ने बैटिंग की, भाईजान क्लाउडी कंडीशन थी, बिल्कुल न्यूजीलैंड बॉलर्स की मर्जी का जो है वो वेदर था, और उधर न्यूजीलैंड वाले बॉलर्स अगर चाहते तो सरफराज को आउट कर सकते थे, उन्होंने चाहा, लेकिन सरफराज खान ने जिस तरह की बैटिंग की, देखे ये होता है टैलेंट.
देखो पाकिस्तान टीम होती 46 पे ऑल आउट होती, हम भाई अभी तक टेस्ट मैच हार चुके होते। ये टीम इंडिया 46 ऑल आउट 356 की लीड, बंदा कहता है यार मैं किधर से टेस्ट मैच बचाऊं, क्या करूं मैं। आपने 3 विकेटों पे 4 पे विकेट लीड उतार दिया यार, क्या बात है यार। लेकिन ऋषभ पंत ने और सरफराज हाँ ने जो आके अटैक किया, जो आके तेज क्रिकेट खेली है, वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। देखिए इधर से पता चलता है कि इंडियन क्रिकेट से बेहतर टीम इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं है। आप मुझे बताओ इधर ऑस्ट्रेलिया होती 46 पे ऑल आउट, अभी तक ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार चुकी होती। इंग्लैंड होती 46 पे ऑल आउट, इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार चुकी होती। न्यूजीलैंड होती, न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच हार चुकी होती। आप जिस साउथ अफ्रीका को ले लो, दुनिया की कोई भी टीम होती ये टेस्ट मैच हार चुकी होती। यार 356 की लीड उतारना और फिर टारगेट देना, ये हालाजी का वाड़ा नहीं होता। ये सरफराज खान जैसा टैलेंट फिर हो तो आप ये चीजें पॉसिबल करते हो। उसने 100 मारा चौका, घर चौका मार के उसने 100 मारा। देखिए ये क्रिकेट होती है, इधर हमारा बाबर आजम होता ना, उसने 100 के चक्रों में 15 ओवर ले लेने थे ताकि मेरा 100 हो जाए, और 100 करते सारी लड़क जाना था क्योंकि अपने रन। और इंडिया ने ऐसा कमाल का काम किया है, 46 पे आउट होने वाली टीम न्यूजीलैंड के 356 रन जो ऊपर लीड चढ़ी हुई थी, 3 विकेटें गिरी हैं और वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी उतार दी है। और 46 पे आउट करने के बाद भी न्यूजीलैंड दे आर फार बिहाइंड। सरफराज ने खेलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स आना शुरू हो गए, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था वो दिखा। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता भाई, आप किसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हो इतने सालों से तो तभी आके कॉन्फिडेंस आता है ना। पहले 100 भी हो गया और अब 125 पे वो खड़ा हुआ है। और भाईजान उस बंदे में डोमेस्टिक में भी इतने सालों से जो थोड़ी खबरें आती हैं तो उसी की आती हैं जी, 200 कर दिया, 250 कर दिया, 150 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया। तो उस बंदे में एक खास चीज है, खास चीज है, तो दैट्स व्हाई दे आर देयर, ही इज देयर। पंत भी बहुत अच्छा खेला, हालांकि पंत आपको पता है कि बीच में जरा मसलम साइल हो गए थे, इंजरी वगैरह हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कीपिंग में वो आया हुआ था, जुरेल आया हुआ था, बट ही वाज देयर टू। बट मेन गाय जो मोमेंटम चाहिए था ना, और जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी, और जिस तरीके से काउंटर अटैक करना चाहिए था न्यूजीलैंड को, वो तो यार क्रेडिट जाता है इस लड़के को, सरफराज को। इसने जिस तरीके से खेला ना, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ किस्म की इसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है। और शॉट्स भी इसके अच्छे खासे हैं, मतलब स्वीप भी अच्छे खासे खेलता है, कट शॉट भी खेलता है, यू नेम इट, हर तरह के जो शॉट्स है वो खेलता है। तो ये है कि भाईजान जो आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, जो ओवर द एज परफॉर्म करता आता है, तो वो आपको फिर मायूस नहीं करता, डिसअपॉइंट नहीं करता। तो तब ये बैटिंग करने आया था, 100 के नीचे का टोटल था, टोटल इंडिया का 100 के नीचे का, अभी 350 पे खड़ा हुआ है एंड ही इज नॉट आउट, स्टिल आउट देयर। ये इंडिया की टीम में एक चीज खास है जो कि इनको दूसरों से बड़ा मुनफरिद बनाती है, तो दिस इंडियन टीम दे हैव समथिंग स्पेशल, फाइटिंग स्पिरिट, वो जो अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, फाइटिंग स्पिरिट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा, सरफराज खान और ऋषभ पंत की जो बैटिंग है दोस्तों, कमाल बैटिंग की है आज उन्होंने, और न्यूजीलैंड को जो है धोखा रख दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और दोस्तों इसी को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है सरफराज खान का जो है फैन हो चुका है। तो दोस्तों रिएक्शन अगर आपको पसंद आया तो रिएक्शन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।